सर जान बार्ले करके ये गवर्नर जनरल बनेंगे और इनके समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 वाला, ठीक है, और जिनमें कई अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। बस इनके काल में एक ही है जन जॉर्ज बार्लो के समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ था, तो बार्लो वेल्लोर इस प्रकार से आप याद रख लेंगे। इसके बाद आने वाले हैं 1807 में लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से लेकर 1813 तक, तो इनके समय में क्या हुआ था, पर्शिया जिसको हम फारस कहते हैं, पर्शिया के शाह के साथ इनकी एक संधि हुई थी, उसके अनुसार कोई भी विदेशी सेना उनकी अनुमति के बिना उनके क्षेत्र से गुजर नहीं सकती थी, मतलब फारस के शाह से साथ संधि कर ली इन्होंने। चार्ल्स मेटकाफ को मिंटो ने ही महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था और 1809 में अमृतसर की संधि भी की गई थी इन्हीं के साथ में। मिंटो ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह का भी दमन किया था। तो इस प्रकार से मिंटो के काल में तीन काम होते हैं, ये चार्ल्स मेटकाफ को राजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजते हैं, बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को दबाते हैं, और जो पर्शिया के शाह है उनसे एक संधि भी कर लेते हैं। इनके बाद आने वाले गवर्नर जनरल हैं हमारे पास लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक लगभग 10 साल भारत में रहने वाले हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं वो गवर्नर जनरल बनकर 1813 में भारत आए। अपने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में उनके राजनीतिक श्रेष्ठता को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। इनके समय में सर्वप्रथम नेपाल युद्ध लड़ा गया था। 1814 से लेकर 1816 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया और अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध में जनरल ऑक्टरलोनी, कर्नल निकल्सन, गार्डनर, जनरल गिलिस्पाई आदि बहुत अच्छे अच्छे नायक थे। जनरल गिलिस्पाई जो थे, इनका जो कालंग का एक दुर्ग था नेपाल के वहाँ पे, तो उसमें आक्रमण करने में ये विफल रहे थे और वहाँ पर ये वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे। जो इनके उत्तराधिकारी हुए मेजर मार्डिक, और इन्होंने भी क्या करा, जेताग दुर्ग को जीतने में ये भी असफल रहे, किंतु अंग्रेजों ने अपनी विफलताओं से हताश नहीं हुए और ये लगे रहे युद्ध में। कर्नल निकल्सन और गार्डनर ने कुमाऊं की पहाड़ियों में जो स्थित अल्मोड़ा नगर था वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। जनरल ऑक्टरलोनी ने मालाओं के नगर में अमर सिंह थापा को हरा दिया। इस प्रकार जो युद्ध था उसमें गोरखा जो थे पूर्ण रूप से पराजित हो गए थे। 1816 ईस्वी में जब ये युद्ध खत्म हुआ तो यहाँ पर गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में संगोली की संधि हुई और इस संधि से युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। संगोली की संधि की शर्तों के अनुसार गढ़वाल तथा कुमायूं हिमालय जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे। गोरखाओं ने काठमांडू में ब्रिटिश सेना को रखने के लिए स्वीकार कर लिया था, तो यहाँ पर गोरखा जो है हमारे पास वो ब्रिटिश की जो सेना है उनको रखने के लिए स्वीकार कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्षेत्र हैं जैसे शिमला हो गए, रानीखेत हो गए, नैनीताल, ये अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। इसी संबंध में चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का बादशाह बन जाऊँ तो भारत में एक भी भारतीय नरेश नहीं रहेगा, निज़ाम का नाम भी कोई नहीं सुनेगा और नेपाल हमारा होगा। तो इस प्रकार का जॉन नेपियर का कथन था। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के काल में यहाँ पर तीसरा आंग मराठा युद्ध भी लड़ा जाएगा जिसमें मराठे जो है वो हार जाएंगे। गोरखाओं ने यहाँ पे सिक्किम को खाली कर दिया था, तो इस प्रकार से सिक्किम भी भारत के राजक्षेत्र में आ जाता है। इस संधि का सबसे बड़ा लाभ गोरखाओं का अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। 1857 में भी ये राजभक्त बने रहे तथा उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में योगदान भी किया था, तो गोरखाओं ने बहुत हद तक सपोर्ट किया अंग्रेजों का। हेस्टिंग्स को पिंडारियों के दमन का श्रेय भी प्राप्त है। अंग्रेजी इतिहासकार पिंडारियों को अफगान लुटेरे मानते हैं और दौलतराव सिंधिया को इनका एकमात्र नेता मानते थे, परंतु इनकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। पिंडारियों का उल्लेख जो है वो मुगलों के महाराष्ट्र पर 1789 के जो समय आक्रमण हुआ है उस समय मिलता है कि मुगलों के ऊपर पिंडारियों ने हमला किया था। बाजीराव प्रथम के काल में भी ये अवैतनिक रूप से मराठाओं की ओर से लड़ते थे और केवल लूट के भाग को ले लेते थे। पिंडारी किसी भी धर्म को न मानते थे, ठीक है, ये लूटपाट में संलग्न रहने वाले व्यक्ति होते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में वासिम मोहम्मद, चीतू और करीम खां जो थे पिंडारियों के प्रमुख नेता थे। नाम याद रखिएगा, वसीम मोहम्मद, चीतू और करीम खां। 1812 ईस्वी में पिंडारियों ने अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र जैसे मिर्जापुर हो गया, शाहबाद पर आक्रमण कर दिया था। हेस्टिंग ने उनके दमन को अपना लक्ष्य बनाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की।
उसने लगभग 113,000 सैनिक तथा 300 तोपें एकत्रित कर ली और उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाल ली और दक्षिणी सेना की जो कमान थी वो टॉमस हिस्लोप को दे दी थी उसने। टॉमस हिस्लोप, याद रखिएगा नाम भी। उसके नेताओं में वसीम मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली, तो यहाँ पर जो है हमारे पिंडारी के वसीम मोहम्मद जो थे वो आत्महत्या कर लेंगे। करीम खां को गोरखपुर में एक छोटी सी रियासत दे के उसको सेटलमेंट कर लिया और चीतू जो था जंगल में भाग गया और उसको शेर मारकर खा गया, इस प्रकार की बातें हैं। मेलकम करके एक अंग्रेज हैं, मेलकम ने पिंडारियों को क्या कहा, मराठों जो मराठा शिकारी थे का शिकारी कुत्ता कहा था, तो इसे कुछ उपमा दी थी पिंडारियों को। 1824 तक पिंडारियों का सफाया हो गया था। हेस्टिंग के समय ही मराठों के साथ अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई भी लड़ी गई थी जिसमें मराठे हार गए थे। 13 जून 1817 को पेशवा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार मराठा संघ समाप्त हो गया। 5 नवंबर 1817 को सिंधिया से एक संधि की गई जिसके अनुसार महाराजा ने 500 सैनिक पिंडारियों के विरुद्ध अभियान के लिए देना स्वीकार किया था। नागपुर के अप्पा साहेब, सीतावर्डी के तथा होलकर महितपुर के पराजित हो गए थे। हेस्टिंग ने बाजीराव को गद्दी से उतार कर 18 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप एक बिट्ठूर नामक स्थान है वहां पर बेच दिया था। सतारा की गद्दी जो थी शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दी गई। हेस्टिंग्स के भारत आने से पहले तक मुगल सम्राट को औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। सम्राट कंपनी के लिए हमारा विशेष कृपा पात्र भृत्य या आदरणीय पुत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करता था। हेस्टिंग ने दिल्ली आने पर यह शर्त रखी कि वह सम्राट से तभी मिलना चाहेगा जब वह पुराने शिष्टाचार खत्म किए जाए। इस प्रकार की इच्छा उसकी पूरी हुई। इसके प्रतिवाद का प्रभाव यह हुआ कि हेस्टिंग का उत्तराधिकारी एडम हर्स्ट 1827 ईस्वी में सम्राट से बराबरी के सम्मान से जाकर मिला था। हेस्टिंग के समय में ही सर टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बना और उसने मालाबार, कन्नड़, कोयम्बटूर, मदुरई, डुंडीगुल ये जो क्षेत्र थे यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। रैयतवाड़ी व्यवस्था अलग वीडियो में समझाया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, शॉर्टकट में आपको बता दूँ कि कृषकों के साथ सीधा जो कृषकों को भूमि स्वामित्व मान लिया जाता था और बिचौलियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता था। हेस्टिंग के समय पर ही एल्फिस्टन ने बम्बई में महालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के मिश्रण को लागू भी किया। बंगाल में रैयत के अधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट क्या आया, 1822 में टेनेंसी एक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, काश्तकार अधिनियम, इसको लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत यदि रैयत अपने हिस्से की निश्चित राशि किराए में देता है तो उसे विस्थापित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का प्रावधान था। असामान्य परिस्थिति को अतिरिक्त लगान में वृद्धि भी नहीं की जा सकती, ये भी टेनेंसी एक्ट में या काश्तकार अधिनियम में प्रावधान किया गया था। हेस्टिंग ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शक के नियम भी बनाए थे। इसके बाद जॉन एडमसन 1823 में अस्थायी रूप से नियुक्त हुए। देन आए हमारे लॉर्ड एमरहर्स्ट। लॉर्ड एमरहर्स्ट जो थे 1823 से लेकर 1828 तक भारत के कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहे। ये अंतिम व्यक्ति हैं जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहेंगे। इसके बाद जो आएंगे वो हमारे आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो बात करते हैं एमरहर्स्ट के समय पे, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। कंपनी ने अपने औपनिवेशिक स्वार्थ के लिए एक युद्ध लड़ा था जिसको हम कहते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 से 26 के बीच में युद्ध लड़ा गया था और ब्रिटिश कंपनी ने अपने औपनिवेशिक स्वार्थ के लिए इस युद्ध को लड़ा और इसका कारण ये था कि वो अपनी शक्ति में विस्तार करना चाहती थी। 1826 में यांगडुबू की संधि के साथ में बर्मा के साथ, मतलब बर्मा को परास्त कर दिया, बर्मा सेना को, और इस बर्मा के क्षेत्र को भी भारत में मिला लिया गया। तो कुल मिला के कुछ नहीं हुआ, क्षेत्रफल में विस्तार हो गया था। 1824 में हमारे जो एमरहर्स्ट हैं इनके काल में एक विद्रोह हुआ था जिसे हम कहते हैं बैरकपुर का सैनिक विद्रोह। बैरकपुर का सैनिक विद्रोह इसलिए था कि जब बर्मा के लिए सैनिकों को भेजा जा रहा था जहाज में लोड करके, तो भारतीय सैनिकों ने यह कहकर मना कर दिया था कि हमारे धर्म में समुद्र को या जल को लांघना पाप माना जाता है। तो यहाँ पे कुछ सैनिकों ने जल को लांघना या समुद्र को लांघना अपने धार्मिक हितों का उल्लंघन बताया। तो इस प्रकार का विद्रोह जब हुआ तो एमरहर्स्ट साहब ने क्या करा, उन जितने भी विद्रोह थे उन विद्रोह को कुचला और सैनिकों को पकड़ कर गोली मार दी। ठीक है, तो इस प्रकार से बैरकपुर जो सैनिक विद्रोह था वो भी शांत हो गया।
आगे बात करते हैं, हमारे पास एक स्थायी रूप से एक और गवर्नर आएंगे कंपनी के अधीन, वो आएंगे विलियम वायल। वायल जो थे 1828 में एक अस्थायी नियुक्ति पर आए थे। देन इसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक का आपको जो गवर्नर जनरल हैं भारत के, वो पार्ट बी के वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।